इस समय बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य की चर्चा जोरों पर है। हो भी क्यों ना, उनका टिकट जो काट लिया गया है, लेकिन इसकी वजह क्या है? दरअसल बदायूं लोकसभा चुनावों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए सनातन विरोधी विवादित बयान को वजह बता रहा है, कोई पिछले कुशीनगर चुनावों के दौरान स्वामी के काफिले पर हुए हमले के बाद पहुंची संघमित्रा के बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होकर दिए बयान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। 24 मार्च को आई बीजेपी की लिस्ट से सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम गायब था और दुर्विजय सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया। पूर्व में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने एक पत्रकार के सवाल पर उस वक्त ही बयान दिया कि संघमित्रा तय करे कि उन्हें पिता के साथ जाना है या फिर पार्टी के साथ। फिर शायद बेटी ने राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी पिता स्वामी से गोपनीय सलाह ली। जानकार मानते हैं कि संघमित्रा पार्टी से किन्हीं कारणों के चलते इस्तीफा दे नहीं सकती थी और बीजेपी उन्हें निकाल नहीं रही थी। ऐसे में टॉप नेतृत्व संभवतः जान चुका था कि आगामी लोकसभा चुनाव में संघमित्रा को बदायूं से प्रत्याशी बनाया तो सनातन पक्षधर मतदाता बड़ा विरोध कर सकते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होता। तभी से माना जाने लगा कि शीर्ष नेतृत्व की रडार पर संघमित्रा आ चुकी है। इधर लोकसभा चुनाव नजदीक आने से पहले स्वामी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, इसके बाद वो भाजपा में डटी रही। अब बदायूं में बीजेपी के दुर्विजय और सपा के शिवपाल के बीच टक्कर होने वाली है। बदायूं यादव और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि राजनीति में ये कह पाना मुश्किल है कि ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। वही कहा जा रहा है कि सपा से बागी नेता निर्दलीय या फिर किसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान सपा को सीधे तौर पर भुगतना पड़ सकता है, जिसका फायदा भाजपा को होगा। बीजेपी की पांचवी लिस्ट में यूपी के कई बड़े नेताओं के नाम काटे गए हैं, जैसे वरुण गांधी, वीके सिंह, पचौरी तो संघमित्रा। वरुण गांधी का तो लगभग टिकट कटना तय था, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे उससे इतना तो तय था कि बीजेपी इस बार उन्हें टिकट नहीं देगी। वीके सिंह और पचौरी ने तो लिस्ट आने से पहले ही कह दिया कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना। हालांकि माना जा रहा है कि इन दिग्गजों को अपनी टिकट कटने की भनक पहले से ही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे ऐलान करने वाला नाम तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का रहा, जो लगातार मोदी सरकार की पक्षधार रही है। हालांकि कहना गलत नहीं होगा कि पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत का हर्जाना आखिरकार बेटी को उठाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।